दोस्तों, इस वक्त हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं सुरापगढ़ से। और आपको पता है कि मैं न मानू की बुनियाद पे अभी भी इंक्रोचमेंट जारी है। और यहाँ पर काफ़ी सारे ठेके लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ट्रक अड्डा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़बरदस्ती भी किया हुआ है, कब्ज़ा जिसको कह सकते हैं। और वो माशाल्लाह यहाँ पर तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये ट्रक अड्डा बना दिया है। और अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं, अगवान बस्ती की तरफ चल के देखते हैं कि वहाँ क्या मनाजिर हैं, क्योंकि हम आपको कुछ ना कुछ अपडेट्स देते रहते हैं और जब वहाँ से कहीं से गुजरते तो वहाँ की भी आपको अपडेट देते हैं। तो आज इरादा हुआ कि सुरापगढ़ से क्यों ना अगवान बस्ती की तरफ जाया जाए, तो इसलिए मैं निकल पड़ा अगवान बस्ती की तरफ। और यहाँ पर ट्रैफिक का पता नहीं होता कि सामने से आना है या पीछे से आना है, बस अंधाधुंध ट्रैफिक आ रहा होता है और साइड से रोड क्रॉस करने वालों को तक कुछ पता ही नहीं। अल्लाह ही हाफिज़ है। आधा होटल बाहर निकाला हुआ है और यहाँ से कुछ खवातीन गुजर रही हैं, बहुत कम ही दिखाई देता है और एरियाज़ में ये शटल कॉक। ख़ासतौर पर आपको ये सुरापगढ़ और अगवान बस्ती की तरफ तो बहुत ही दिखेगा, क्योंकि इनकी अक्सरियत यहीं पर है। और अब यहाँ पर से शुरू होता है थोड़ा अगवानी इलाका जिसको अगवान बस्ती कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ चिकनी मिट्टी का काम होता है और ये वो घर हैं जो रोड की पट्टी ऊपर बने हुए हैं। पठान और अखवानी बाशिंदे भी यहाँ पर रहते हैं। और काफ़ी छोटे घर हैं ये, मतलब एक कमरे दो कमरे पे मुश्तमिल घर बने हुए हैं यहाँ पर। बेटा जिसे हम कच्चा मकान कहेंगे, ये कच्चे मकानात बने हुए हैं यहाँ पर। और प्लास्टिक का काम, बोतलें चुनने का काम तो आपको पता ही है कि इनका फेमस है। और उसके बाद उसकी छटाई करने के बाद ये मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में और कंपनीज़ में जाती हैं जिसको दोबारा से रिसाइकल करके बनाया जाता है। ये भी बस्ती से मिलता है, ये गली भी आपको बस्ती से मिलाती है, क्योंकि ये यहाँ पर है गन्ना मार्केट। ये आप गेट देख सकते हैं, ये मार्केट लगती है सुबह सुबह में गन्ने की। जो मेरे दोस्त यहाँ आते होंगे उनको पता होगा। दूसरी तरफ ये रोड जा रहा है अस्पताल चौकी की तरफ। ये एरिया थोड़ा ऊपर है, मतलब यहाँ पर आकर आपको
एक चढ़ाई सी चढ़नी पड़ेगी। इसकी भी किसी दिन आपको हम वीडियो दिखाएंगे इसके अंदर एरिया की। आपको मेरे लेफ्ट साइड पे नासरा स्कूल दिखेगा। ये एक छोटा सा कारखाना बना हुआ इंडस्ट्री टाइप की बनी हुई है। यहाँ पर भी बोतलों का काम काफ़ी ज़ोर शोर से चलता है। और अब हम आ गए हैं अखवान बस्ती की तरफ। ये एरिया तो थोड़ा ख़तरनाक सा लगता होगा जो मेरे दोस्त यहाँ पर नहीं आए हैं। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। कुछ कबड्डी जो शटल कॉक वाली, टोटल कबड्डी शटल कॉक वाली घूम रही हैं। और मैं देख रहा हूँ कि घरों के बाहर अपने अपना लोगों ने काम लगाया हुआ है। जैसे कि ये साहब ने एक होटल बनाया हुआ है और घर के बाहर घर का खाना दिया जा रहा है। छोटे छोटे से ये घर बने हुए हैं। और ये चिप्स का काम तो खैर मशहूर काम है। अफगानी और पठान चिप्स के ठिए जो हैं वो बहुत शौक से लगाते हैं। और यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं जाके वो ऐसी बाइक्स मिलेंगी जो थ्री व्हीलर बाइक होती है, उसके ऊपर कचरे के बोरे पड़े हुए थे। और अब हम मंजिल के करीब ही हैं। और एक बार फिर इंक्रोचमेंट। ये तो कराची का खैर सिंबॉलिक बन गया है। मंजिल दूर नहीं, मंजिल करीब के। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, एक नई मोटो व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।